दोस्तों नमस्कार, सब भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैदिक पंचगव्य पे। दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ साहिवाल गाय की वीडियो। बहुत सारे भाइयों की एक डिमांड आ रही है कि भाई बछड़ी वाली गायें हमें चाहिए, बछड़े वाली गायें कोई लेना नहीं चाहता। तो मेरे भाइयों, उन भाइयों के लिए मैं ये बछड़ी वाली गाय लेके आया हूँ। दोस्तों ये इस गाय का दूसरा ब्यात है, नीचे इसने बहुत सुंदर साहिवाल की बछड़ी दी हुई है, आप देख सकते हैं बहुत हट्टी कट्टी बछड़ी है। और ये करीब 25 दिन की ब्याई हो गई है। इसके नीचे दूध करीब 15 से 16 किलो दूध तैयार है। बहुत अच्छी बछड़ी है इसकी, बहुत अच्छी गाय है। दोस्तों इसका अडर बहुत छोटा है, लेवटी आप देख सकते हैं, लेवटी जितनी छोटी है लेकिन इसमें दूध बहुत ज़्यादा है, अंदर की तरफ लेवटी होती है। ऐसी गायें बहुत अच्छी होती हैं मिल्किंग में। दोस्तों इसके थन देखिए, बहुत बड़े बड़े थन हैं, पूरी मुट्ठी वाले थन हैं, आराम से दूध निकाल सकते हैं, दूध निकालने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। और जो भाई गायें लेना चाहते हैं ऊपर स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और एक बात दोस्तों, मैं बहुत सारे बंदों का फ़ोन अटेंड नहीं कर पाता हूँ क्योंकि तो कई बार क्या लगातार एक समय पे एक बंदे से ही बात हो पाती है और बाकी लोग कॉल करते रहते हैं। तो उसका एक दूसरा तरीका ये है दोस्तों, आप व्हाट्सअप कीजिए मुझे अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपनी कुछ जिस टाइप की आपको डिटेल चाहिए वाली गायें चाहिए या ये या जो जो भी आपको वीडियो वाली गायें चाहिए। मैं अक्सर हर वीडियो पे एक नंबर डाल देता हूँ, कोई भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ किसी भी गाय की मिल्किंग वीडियो, उसका मैं एक नंबर डालता हूँ स्पेशली। उस नंबर को आप मेंशन करके दीजिए कि मुझे ये नंबर वाली गाय लेनी है। और रेट भी दोस्तों मैं मेंशन कर देता हूँ, आप प्लीज़ नेगोशिएशन मत करना, बार्गनिंग का हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि तो मैं पहले से ही बहुत कम रेट करके वो रेट मेंशन करता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का दोस्तों थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि तो समय बहुत ख़राब हो जाता है बार्गनिंग करने में, कोई फ़ायदा नहीं। अपनी मेरी दोस्तों वो आदत नहीं है कि 60,000 रुपये का रेट डाल दिया, बाद में 50,000 रुपये की हम देंगे, अपना पहले से ही मैं रेट कम करके चलता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखें। और आप देखते हैं दोस्तों हमने मिल्किंग चालू कर दी है, आप लोगों को खाली बाल्टी दिखा दी थी और किसी तरह की कोई लात नहीं मार रही है गाय, कोई सींग नहीं मार रही है, बहुत आराम से मिल्किंग करा रही है। और धार इसकी बिल्कुल नरम है, चारों थन की धार एक एक करके हमने आपको दिखा दी है और चारों थन में पूरा बराबर दूध है, किसी तरह का कोई भी इसमें थन में प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा उपलब्ध है, जो भी भाई गाय लेना चाहते हैं उनके लिए हम 8 रुपये से लेकर 12 रुपये के बीच में ट्रांसपोर्ट का अवेलेबिलिटी है, आना और जाना दोनों शामिल होता है। और दोस्तों ये बहुत सारे भाई एक चीज़ कहते हैं कि जी गाय में थनीला रोग हो जाता है, तो दोस्तों मैं थनीला रोग ना हो इसके लिए एक चीज़ मैं एक सुझाव देना चाहूँगा यहाँ पे, आप दूध निकालने के बाद नीम ऑयल आता है बाजार से वो ले लीजिए, नीम ऑयल थनों पे लगा दीजिए, ठीक है, या फिर सूखी हल्दी चारों थनों के नीचे जो दूध निकालते जहाँ पे छेद होता है वहाँ पे सूखी हल्दी लगा दीजिए। उससे क्या होगा, बाहर के जो बैक्टीरिया हैं जीवाणु हैं वो थन के अंदर नहीं जा पाएंगे और आपकी गाय को थनेला रोग नहीं होगा, एक चीज़। दूसरी चीज़, गाय को पक्के अगर फर्श पे रखते हैं तो गद्दे वगैरह डाल के रखिए या फिर कच्ची मिट्टी बालू रेत जो होता है, नरम रेत लाल रेत जो बोलते हैं वो आप उसकी व्यवस्था करके रखिए। गाय अगर रेत में बैठेगी तो वो उसका नेचुरली गद्दा होता है, उसमें थनेला रोग होने के चांस नहीं होते क्योंकि थन और लेवटी पे कोई दबाव नहीं आता, मिट्टी पर जब गाय बैठती है वो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आपकी गायों के चिच्चड़ टिक्स वगैरह लग जाते हैं उसके लिए भी वो नीम का तेल बहुत अच्छा रहता है, लेवटी पे चिच्चड़ और कलीली नहीं लगती अगर आप रेगुलरली नीम का तेल का स्प्रे करते रहेंगे, या लेमन ग्रास ऑयल आता है वो भी आप लगा सकते हैं, उसका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, उससे मक्खी मच्छर भी दूर रहते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ से साहिवाल नस्ल की गायें अवेलेबल हैं, राठी गायें अवेलेबल हैं, थारपाकर गायें अवेलेबल हैं, मुख्यतः ये तीन नस्लें हमारे पास मुख्यतः तौर पे अवेलेबल रहती हैं और बछड़ी वाली और बछड़े वाली दोनों तरह गायें अवेलेबल हैं। तो
और हमारे हमारी कोशिश रहती है कि जो भी गाय की सच्चाई है वो हम बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंसी रखें, तो किसी तरह का कोई छुपाव नहीं रखा जाता। और हमारी ये जो लोकेशन है, ये श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान स्टेट में, वहाँ पे हमारी ये मिल्किंग अभी चल रही है। तो बहुत सारे भाई पूछते हैं लोकेशन लोकेशन, मेरी वीडियो की मोस्टली लोकेशन श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, श्री गंगानगर स्टेट राजस्थान रहती है, ठीक है दोस्तों। और इस गाय की भी लोकेशन वही है। जो भी भाई गाय को मंगवाना चाहते हैं वो डायरेक्टली भी मंगवा सकते हैं हमारे से, हमारे अकाउंट में पेमेंट डाल के, और हम यहाँ से भेज देंगे, या फिर वो खुद आके दूध निकाल के 2 टाइम, 4 दिन, 10 दिन, जितना उनका दिल करे यहाँ रुके। हमारे यहाँ खाने पीने की पूरी व्यवस्था है, रुकने की पूरी व्यवस्था है, और अपना दूध निकाल के तसल्ली करके ले जाए। दोस्तों बहुत सारे भाई की कॉल आ रही है कि जी कोई पहले ब्यात की बछड़ी हो, दूसरे ब्यात की बछड़ी हो, ऐसी भी बछड़ियाँ हम कोशिश करते हैं, पहले और दूसरे ब्यात की बछड़ियाँ गायें हम लेके आए आप भाइयों के लिए, जो दूध में भी अच्छी हों और शरीफ हों। हमारी खासियत यही है कि हम बहुत शरीफ गायें अवेलेबल कराते हैं किसान भाइयों के लिए, ताकि उनको घूमना ना पड़े, एक ही प्लेटफार्म पे, इसी चैनल पे सब गायें मिल जाए। दोस्तों जो भाई नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो पुराने भाई हैं वो भी लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। बहुत सारे भाई सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों ये देखिए करीब करीब इसमें 6-7 लीटर, 7 लीटर से ऊपर इसमें दूध है। धन्यवाद।